Yes. Red a Bindungan. Ajo, the red a Bindungan machen eigentlich die Sprache ein bisschen schöner. Das klingt auch gut, wenn die Menschen das hören. Das ist bei uns auch so. So, wir sehen einige hier. Geiz ist die Wurzel allen Übels. Geiz, oder Greed, Meanness, Kaminapan. Geiz, der Geiz, hota hai. So, Lalach hai problem. Jo bhi aapko logon mein aapas mein man mutao bhi dikhta hai, आप उसकी जड़ में जाओगे तो पता चलेगा ग्रीड, एक दूसरे को ठग लेना चाहते हैं, शायद बहुत सारा पैसा कमा लेना चाहते हैं, किसी की कोई चीज हड़प लेना चाहते हैं. सो गाइस ग्रीड, पेट नहीं भरता कभी भी जिंदगी में, मन नहीं भरता, पेट तो भरता है लालच. सो गाइस इष्ट दी व्युत्सल, इष्ट हावी स्वाइमा दिस वी विल ओके. गाइस इष्ट दी वुर्सल, वुर्सल मतलब जड़ है. आलन यूबल्स, सभी बीमारियों की, प्रॉब्लम्स की. धन स्वाय गिटाइल्ट फ्रॉइड है, इष्ट डोपल्ट फ्रॉइड है. उंट गिटाइल्टर स्मैथ्स, इष्ट हल्बर स्मैथ्स. खुशी बांटने से बढ़ती है और दर्द बांटने से कम होता है. गिटाइल्ट, ये गिटाइल्ट अपने आप में पेट स्वाई ही है, टाइलेन का गिटाइल्ट, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करता है ना, पे आइन सो पेट स्वाई, तो ये पेट स्वाई. गिटाइल्ट फ्रॉइड है, फ्रॉइड मीन्स खुशी, बांटी हुई खुशी. डोपल्ट फ्रॉइड है, डबल हो जाती है, तभी तो हम लोगों को इन्वाइट करते हैं बार बार पार्टियां वगैरह करने, खुशी को डबल कर देते हैं. डिटाइलर स्मैक्स, इष्ट हाल्बर स्मैक्स. जैसे मान लो कोई मरता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग मिलने क्यों जाते हैं, हम उसका दुख बांटना चाहते हैं, तो उसको भी तसल्ली है कि कोई बात नहीं, लग तो गई, लेकिन ये देखो लोग मिलने तो आ रहे हैं, तो उसको हल्कापन फील होता है. सो डिटाइल्ट फ्रॉइड है, इष्ट डोपल्ट. शादी में इतने लोगों को बुलाना, खुशी को बांट देना चाहते हैं. होइटमियर मॉर्गन डियर, होइटमियर मॉर्गन डियर. आज मेरा तो कल तुम्हारा, आज मेरा तो कल तुम्हारा. ये जनरली उस कॉन्टेक्स्ट में आपको सुनने को मिलता है कि भाई ये आतंकवादियों को पाल रहे हो ना, ये आप आग से खेल रहे हो. तुम तो सोच रहे हो कि कश्मीर में आके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये भ्रम है तुम्हारा. तो ये सपोले हैं, ये कल क्या आज ही तुमको भी डसेंगे साथ में. होइटम हियर, किसी के परेशानी में कोई खुश होता है, शाडन फ्रॉइड है, तो दुखी आदमी कहता है कोई नहीं, आज हम भुगत रहे, कल तुम भी भुगतोगे ना. होइटम हियर मॉर्गन डियर, होइटम हियर मॉर्गन डियर. ये मियर टू मी के कॉन्टेक्स्ट में. ये डर जिंट ऑफ जाइनर वाइज है, दी आई एम लाउट दी अंडरलाइज है. ये दुनिया भैया अपने लय में ही चलती है, अपने अपने तरीके से सब. कोई कहे कि दिवाली कैसी मनाई, हमने तो फैमिली के साथ मनाई. दूसरे लोग कह रहे हम तो रस्ते में थे, घूमने निकले हुए थे, दिवाली पे भी घूमने निकले हुए हैं. हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो भी एक तरीका हो सकता है. ऐसे कोई लाल किताब में लिखा हुआ है क्या घर पे ही मनाएंगे, नहीं. ठीक है, सो येडर जिंक्ट, जिंक्ट टी, येडर जिंक्ट ऑफ जाइन वाइज है. हर आदमी अपने तरीके से खुश है. मतलब मैं 2011 में अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था जर्मन लैंग्वेज, तो एक तरह से डिपार्टमेंट का हेड से ही बना रखा था मुझे, क्योंकि कोई था नहीं, मैं सीनियर था, बाकी बाद में आए तो जूनियर थे वो. एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर आप पीछे क्यों पढ़ते हो, मेरे को अलग से बोलता है पढ़ाने के लिए. मतलब मेरा इसी तरह का मामला था तब भी, कि वो कहता है आप पीछे पड़ जाते हो, आपने काम दे दिया ना, मैं करूँ नहीं करूँ, इससे आपको प्रॉब्लम है क्या. मैंने कहा भाई क्लास में आएगा तो करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकता कि तेरे से नहीं पूछूं और बातें से पूछूं. बोला दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम. मैंने कहा काम ही कर रहा हूं,
तो बोला कि मेरे को मत बोला करो आप। मैंने कहा क्लास में आओगे तो बोलूंगा। बोला क्लास में तो आऊंगा क्योंकि अटेंडेंस का मामला है। मैंने कहा यार तो ये डर सिंह आउट जाइना वाइज है दी आइना लाउट दी अंदर लाइज है। मतलब सब अपने तरीके से खुश है और अपने अपने लेवल पे सब बढ़िया ही करना चाहते हैं। सबके तरीके अलग है। ये डर सिंह आउट जाइना वाइज है दी अंदर लाउट दी या दी आई में लाउट दी अंदर है लाइज है। ओके हुंडे दी बेलन बाइसन निष्ठ। काम करने वाले तो काम करते हैं। कुत्ते जो भौंकते हैं काटते नहीं। मतलब डरने की जरूरत नहीं है। बोलो मैं गोली चला दूंगा भाई कोई नहीं। कहां के हो? हरियाणा का हो? मैं भी झुंझुनू का ही हूं। गोली नहीं चल पाएगी तुमसे है ना। हाँ क्या मतलब गोली चलाते तो अभी चला दे। कब चला दोगे? अभी चला दो ना। नहीं देख लूंगा तुमको। अरे रहने दो कूल जर्मन सीखो अभी तो फिर देखेंगे। हुंडे दी बेलन बाइसन निष्ठ। जो भोंक है ना जो बोलते हैं गरजने वाले बादल बरसते नहीं है ना। जो ज्यादा बोलता है वो काम कम करता है। एक्चुअली ज्यादा बोलता है वो काम बहुत करेगा ये जरूरी नहीं है। दी हुंडे दी बेलन बाइसन निष्ठ। लीवे माक्ट ब्लिंड। क्या अंदर होता है? प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा कर देता है। और ये हमारा छोरा तो मान ही नहीं रहा। कह रहा नहीं चाहिए मुझे जमीन जायदाद। करूंगा तो शादी उससे ही। ठीक है कर लेने दो। तुम क्यों जिद्दी कर रहे हो? सही कहा है किसी ने। प्यार अंधा होता है। लीवे माक्ट ब्लिंड। वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। उसको दिखता ही नहीं है। मैंने बताया भाई ये जीवन साथी का मामला है। जल्दबाजी मत करो। बोलो जल्दबाजी नहीं करूंगा। 6 महीने रुक जाऊंगा लेकिन ब्याह भी इससे ही करूंगा। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने कहा आगा पीछा तो चेक कर लो उसके घर में कौन कौन है। मेरे को घर वालों से मतलब नहीं है। अरे मतलब कैसे नहीं है? शादी एक आदमी से नहीं होती परिवार से होती है। मेरे को कुछ नहीं सुनना। बाद में पता चलता है। परेशान हो रहे हैं। ल्यूगन हाबन कुछ से बाइने। ल्यूगन कुछ से बाइने। हाँ ये जर्मन्स कहते हैं भाई। बच्चे होते हैं या छोटे होते हैं? हाँ जर्मन्स कहते हैं कि झूठ के पांव छोटे होते हैं। अपने यहाँ कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करी जाती है। जैसे कोई बोलता है लाख निश्त दी बेस्ट मेडिसिन। हंसना सबसे बढ़िया दवाई है। हंसना लाखन इश्ट दी बेस्ट मेडिसिन। कोई बोलता है लासन लाखन इश्ट दे बेस्ट आर्ट। खुशी हंसी जो है सबसे बड़ा डॉक्टर है। कोई कहता है हंसी सबसे बड़ी दवाई है। कोई कहता है हंसने से उम्र बढ़ती है। तो ये सब के अंदाज है कहने के है ना। सो ल्यूगन हाबन कुर्ट से बाइनर। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ के पीछे आपको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना छुपाने के लिए। याद रखना पड़ता है कि क्या बोला था और उसको क्या बोला था। सो ल्यूगन झूठ बोलना ठीक नहीं है। ल्यूगन हाबन कुर्त से बाइने। मॉर्गन स्टुंडे हार्ट गोल्ड इन मुंडे। मॉर्गन स्टुंडे सुबह जल्दी उठना ठीक रहता है। ये जो रेडे वेंडुंगन है ये टाइम टेस्टेड स्टेटमेंट्स हैं। मतलब ये शायद 1000 साल पहले बोला गया। फिर लोगों ने बार बार देखा। हाँ बात तो ठीक है बात तो ठीक है। ऐसे करके ये फिर चलती है समाज में। इस तरह की हर भाषा में हर जगह पे हृदय विंडुंगन होती है। नाखून चने चबवा दूंगा और या फिर इस तरह की चीजें। उनका कई बार मीनिंग वर्ड टू वर्ड भी आपको लगता है वही है बट इसका भाव अलग होता है। कई बार बहुत डिटेल्ड होता है ये चीज। ऐसे है कि ये लाइन अपने आप में एक निबंध है। इसके ऊपर आप टीका लिख दो पूरी। इसके ऊपर एक स्टैंडिश 1 घंटे की हम लोग इस पे बात खूब कर सकती है। फिर आदमी कर सकते हैं हम लोग अलग अलग अपने एक्सपीरियंस बताएंगे लोग कि इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है ना। फिर मॉर्गन स्टुंडा हार्ट गोल्ड इन मुंड है का मतलब है कि सुबह उठना जल्दी है। तो जल्दी कैसे है भाई? सुबह उठने से क्या स्वास्थ्य ठीक रहता है? अच्छा और नहीं सुबह सुबह क्या है एनर्जी लेवल हाई रहता है तो अपने जो इंपॉर्टेंट काम है वो सुबह सुबह ही निपटा लेने चाहिए। ओके
सुबह से आप अगर जो काम करोगे, पढ़ाई सुबह करने से बढ़िया होती है, कंसंट्रेशन बढ़िया रहता है, तो इस तरह की हजार चीजें लोग गिनाएंगे आपको। और अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने कहा, और रिजल्ट उसका यही रहा कि मॉर्गन स्टुंडे, कि स्टुंडे का मतलब है मॉर्निंग आर, हार्ट गोल्ड, उसके मुंह में गोल्ड है, मतलब वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है मॉर्निंग का टाइम। तो इसलिए कहते हैं घर वाले, उठ के जल्दी पढ़ा करो, जल्दी उठ के घूमने जाया करो, मतलब जिसको जो करना है वो करो, बट जल्दी उठो। जो दस जिंद आईनी गए, पहले वाले आपने लर्न किए होंगे, इनको भी लिख लो, इनको डे टू डे लाइफ में जब आप कोई टॉपिक पे बोलते हो, या फिर आप कोई मायने में लिख रहे हो, कहीं भी लेटर लिख रहे हो, उसमें भी ये इस तरह के 150 आएंगे, तो आपको अपने आप ही राइट जगह पे वो काम में लोगे, तो लोगों को लगेगा कि इसको वास्तव में जर्मन अच्छी आती है। जो लर्निंग को ऐसा का ऐसा ही करना है, ऐसे नहीं कि अपनी भाषा में लिखा है मैंने तो थोड़ा बदल दिया तो क्या हुआ, नहीं बदलना नहीं है, एज इट इज ही लेना है इसको। लीबे माक्ट ब्लिंग ल्यूगन हाबन कुछ सबाइन है जो